जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज से एक दिन हिस्ट्री और एक दिन भारतीय संविधान के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास में महाराणा प्रताप के जीवनी से। एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं महाराणा प्रताप, क्योंकि अकबर के उतने बड़े सैन्य के सामने इन्हें कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, और अकबर का ये ख्वाहिश भी रह गया कि महाराणा प्रताप को हम काश झुका पाते, लेकिन यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाया। तो आज इसी महान योद्धा के बारे में देखेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का अगर जन्म की बात किया जाए तो 9 मई 1540 में कुल्लभगढ़ में हुए थे। महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़, यानी कि राजस्थान का एक अभी जिला कह सकते हैं, तो मेवाड़ एक जगह था जिसका राजधानी था चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ वहाँ इसकी राजधानी हुआ करते थे। तो वहीं इसका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुल्लभगढ़, ठीक है, मेवाड़ का ही एक जगह था। अगर इसके पिताजी का नाम करें तो महाराणा उदय सिंह नाम थे, ठीक है, वो भी राजा ही थे मेवाड़ के। माता की नाम कहते जयवंता बाई, माता की नाम क्या था, जयवंता बाई। अगर महाराणा के बड़े बेटा का बात किया जाए तो उसका नाम था अमर सिंह, ठीक है। अब बात आता है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप बचपन का अगर नाम इसका देखा जाए तो कीका नाम था, कीका, ये बहुत कम आदमी जानते हैं कि बचपन महाराणा प्रताप सिंह के नाम बचपन का नाम क्या था, कीका। कीका नाम क्यों पड़ा जानेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह जो बचपन जो था ना, वो भील एक जनजाति है, उस जाति के बच्चे के साथ ये खेलता कूदता था, ठीक है। और भील जाति के जो थे वो बहुत ही लड़ाकू और निशानेबाज धनुषधारी हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्हीं के साथ खेलते थे, कुश्ती ये सब करके के महाराणा प्रताप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। जब ये 27 साल के हो गए तो इसका शरीर का अगर वेट का बात किया जाए, 27 ईयर के थे उस समय, इसका उस शरीर का वजन का बात किया जाए तो 110 kg थे। इसके द्वारा जो भाला प्रयोग किया जाता था, भाला, भाला की बात करें तो 80 kg का भाला था जो युद्ध में प्रयोग हुआ था फेंक के मार। अगर तलवार की बात किया जाए, तलवार ये हमेशा दो तलवार रखते थे अपने पास, दोनों तलवार मिला के उसका वजन देखा जाए तो 108 kg था। और राजा महाराजा दुश्मनों से बचने के लिए जो कवच पहनते थे, अगर उसका बात किया जाए, कवच की बात किया जाए तो 72 kg हुआ करते थे। यानी इस सबको अगर जोड़ दे तो कितना, 360 kg अपने शरीर पे लेके हमेशा ढोते थे। अगर 80 kg का भी भाला दिया जाए तो 5 आदमी मिलके उठाएगा, लेकिन वो अकेले 360 किलोमीटर लेके चलते थे, ठीक है। तो ऐसे महान योद्धा थे महाराणा प्रताप सिंह। बचपन का नाम क्या था, कीका। कीका क्यों पड़ता था, क्योंकि भील जाति के जो जनजाति के साथ खेलते थे, तो भील जनजाति के लोग द्वारा छोटे बच्चे को कीका कहा जाता था, ठीक है। तो इसी नाम से बचपन से प्रसिद्ध थे कीका, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप राम परा। अब जब उदय सिंह का अंतिम समय आने वाला था तो उत्तराधिकारी चुनने का समय आया, तो इन्हीं के, महाराणा प्रताप तो बहुत सारे शादी किए थे, 20 शादी किए थे, ठीक है, इन्हीं के एक प्रिय पत्नी थी धीर बाई, ठीक है। धीर बाई बहुत प्रिय पत्नी थे किसके, उदय सिंह के, महाराणा उदय सिंह के। इसी के बेटा का नाम था जगमाल, क्या नाम था, जगमाल, ठीक है, इन्हीं के बेटा का नाम क्या था, जगमाल, ठीक है। तो धीर भाई चाहते थे कि महाराणा उदय सिंह के बाद जो राजा बने वो मेरा ही बेटा बने, जगमाल। महाराणा प्रताप को ये सबसे मतलब नहीं था, वो खाते पीते थे, आदमियों के बीच घूमते थे, उसे मतलब नहीं। इसे बना भी दिया गया, क्योंकि महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जो बोले, महाराणा प्रताप बोले पिताजी का ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, क्या है, भाई हैं, बना। अगर देखा जाए तो ये उदय सिंह के 9वां पुत्र था, ठीक है,
नौमा पुत्र में था जगमाल, लेकिन जगमाल उतना सही शासक नहीं था क्योंकि महाराणा प्रताप के शक्ति, अगर इसके हाइट की भी बात किया जाए, लंबाई हाइट का बात किया जाए तो 7 फीट 6 इंच था, ठीक है, 7 फीट 6 इंच ठीक, ये लंबा चौड़ा शरीर एकदम ताकतवर। तो वहाँ के जो मेवाड़ के जो दरबारी थे वो लोग बोला नहीं, राजा तो महाराणा प्रताप को ही बनना चाहिए, और यहाँ से इसे हटा दिया जाता है, महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ से इसको हटाने के बाद ये जाके अकबर में मिल जाता है, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप लगभग समकालीन थे। अगर अकबर की बात करें, अकबर की बात करें तो इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, और महाराणा प्रताप को 40 के, लगभग समकालीन ही थे, 2 साल के छोटे और बड़े। और उस समय अकबर पूरे भारत में, अगर ये भारत की बात किया जाए, ठीक है, अगर ये भारत की बात किया जाए तो पूरा उत्तर भारत ये जूत चुका था, दक्षिण भारत में तो कभी मुगल साम्राज्य आया ही नहीं, ठीक है, पूरा उत्तर भारत जीत चुका था सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर, और मेवाड़ को, मेवाड़ व्यापार का केंद्र रास्ता था, क्योंकि यहाँ पे था दिल्ली, ठीक, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे था गुजरात, ठीक, और यहाँ था आगरा, और दिल्ली यहाँ गुजरात से कोई भी बंदरगाह तो गुजरात था, ठीक है, क्योंकि इधर तो कब्जा था नहीं, एक ही बंदरगाह यानी कि मुगल के पास था, वो भी था दिल्ली, ठीक है, और क्योंकि महाराष्ट्र में तो मराठा सटने भी नहीं दिए थे, तो यहाँ से रास्ता था दिल्ली जाने का, ठीक है, और मेवाड़ से जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि भारी भरकम टैक्स का डिमांड किया जाता था, जिसके कारण अकबर को बहुत हानि भी होता था। तो अकबर जो है, अकबर का सेना उस समय बहुत विशाल था, बहुत महान बादशाह के रूप में जाने जाते थे अकबर, ठीक है। अकबर मेवाड़ छोड़ के ये सारा आसपास के जितने भी राजा थे सबको युद्ध के द्वारा या फिर वार्तालाप के द्वारा या रिलेशन बना के सबको अपने में मिला लिया, सिर्फ एक छोड़ा के मेवाड़ के राजा कौन थे, महाराणा प्रताप, मेवाड़ मिलने के लिए तैयार नहीं था। अकबर का कहना था कि राज आप ही कीजिएगा, बस मेरा स्वाधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन महाराणा प्रताप बोले नहीं, युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, लेकिन आपकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अकबर को बहुत हानि होता था। अकबर यहाँ तक लाहौर था और सब जीत लिया था, ठीक है, आगरा तगरा दिल्ली पिल्ली सब जीत के, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, और मेवाड़ बहुत छोटा यानी कि छोटे से प्रांत में, फिर भी महाराणा प्रताप हार नहीं माने, बोले अकबर से कि ठीक है युद्ध। इसी के आसपास के जितने भी राजा था, मानसिंह, टोल ड्रम, क्या कहते हैं, भगवान दास, सब ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली। मानसिंह तो अपनी फुआ की भी शादी करवा दिए थे अकबर से। उस समय का चलन था कि जो भी राजा स्वाधीनता स्वीकार करेगी तो उस परिवार की रानी का विवाह उस राज्य से कराया जाएगा, ठीक है। तो मानसिंह अपने फुआ की शादी करवा दिए थे अकबर से, ठीक है। अगर बात करें कि अकबर को 1572 में जब अकबर यानी कि गद्दी संभाले, ठीक है, राजा बने, तो समझौता के लिए कि अकबर जो था खून खराबा के प्रति नहीं था, यानी कि खून खराबा हो अकबर को भी अच्छा नहीं लगता था। अकबर पहले सोचता था कि बात विचार से यानी कि बात किया जाए, अगर ना माने तब युद्ध। अकबर किसी किसी बुक में कहा जाता है कि 4, किसी किसी में 8, ऐसे अपने जो होते हैं समझौताधारी सबको भेजे थे महाराणा प्रताप के पास, जिसमें नाम आता है मानसिंह, टोल ड्रम, ठीक है, भगवान दास, ठीक है, मानसिंह, टोलराम, भगवान दास,
और एक थे क्या नाम था कोई, हाँ एक का नाम क्या था, मान सिंह, टोल रंग, भगवान दास, और ऐसे एक कोई मुस्लिम शासक था। ये चार आए थे अकबर के पास, यानी कि महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप संधि करने से इनकार कर देता है। ये सिलसिला 72 से लगभग 76 तक चला, आते रहा बीच बीच में समझौता के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप मानने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली 1573 में अब लगा कि अब युद्ध हो ही जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, क्योंकि महाराणा प्रताप स्वाधीनता स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, और अकबर को लगता क्या था कि इतना बड़ा भारत जीत लिए एक मेवाड़ के चलते मेरा तो साम्राज्य अधूरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत हानि भी होता था, व्यापार करने नहीं दिया जाता था, ठीक है, सामान वहाँ से तक नहीं जाने दिया जाता था। तो इसके लिए युद्ध का तो अब होना तय था, ठीक है, युद्ध अब होना लगभग तय था, किसके किसके बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। वो डेट आ ही जाता है 18 जून, वो डेट आ ही जाता है 18 जून 1576। ये डेट सब जानते ही होंगे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी राजस्थान के एक जिला है, राजवंश राजसमंद जिला, जिसका एक छोटा सा कस्बा है धनमोर, उसी का एक गांव है, गांव का नाम क्या है, हल्दी। हल्दी हल्दी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ का मिट्टी का रंग कैसा था, पीला, ठीक है, घाटी। और ये घाटी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच 6 किलोमीटर का एक स्थल था, इसी के बीच युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे हल्दी घाटी के युद्ध से भी नाम जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध मात्र एक दिन में ख़त्म हो गया था, मात्र एक दिन में ख़त्म हो गया था, कुछ कुछ बुक में तो 1 घंटा भी बताता है, ठीक, कुछ कुछ बुक में 4 घंटा बताता है कि 4 घंटा में युद्ध ख़त्म हो चुका था। अब युद्ध से पहले तैयारी चल रहा था, तो युद्ध से पहले महाराणा प्रताप प्रताप सिंह तैयारी में जुट गए, क्योंकि अकबर के पास विराट सेना था, पूरा भारत में जो राज्य कर रहा है वो एक छोटे से मेवाड़ के राजा, और इसके पास सेना भी कम थे, धन दौलत भी कम थे, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र थे मेवाड़ के जीतने के बाद महाराणा प्रताप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि टैक्स वैक्स आना बंद हो गया था, साहब अकबर को जा रहा था, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो चुका था। महाराणा प्रताप के पास युद्ध करने के लिए सेना भी जुटाना था, क्योंकि महाराणा अकबर का लाखों लाख का सेना और अकबर महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सेना थे, तो ये सेना जुटाते हैं, ठीक है। तो उसी आसपास में एक होता है भील जनजाति, भील जनजाति लड़ाकू होते हैं, क्योंकि ये बचपन से उसी के साथ खेले कूदे हैं, तो भील जाति वाले आ जाते हैं, जो कि पूरा धनुधर होते हैं, धनुष के बहुत बड़ा महारथी होते हैं। एक तो भील जाति से आ गए भील राजा, ठीक है, राजा पूंजी नाम था, पूंजा, राजा पूंजा, पूंजा या पूंजी, ठीक है, पूंजा। और दूसरा था हकीम, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी, सूरी नाम से याद आया होगा, शेरशाह सूरी जो बिहार के शासक थे उसी के एक खानदान के थे, यानी कि उसी के वंशज थे, क्योंकि हकीम खां सूरी शेरशाह सूरी के परिवार के थे, और शेरशाह सूरी जो थे अकबर के पिताजी यानी कि हुमायूं के कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, क्योंकि उसको एक बार हरा के दिल्ली से भगा चुके थे, ठीक है। तो ये भी बिहार से आ गए राजस्थान 1,000 सेना लेके साथ देने के लिए, 1,000 अफगानी सेना, क्योंकि शेरशाह क्या थे, अफगानी थे, 1,000 अफगानी सेना लेके बिहार से चल दिए कहाँ, मेवाड़ यानी कि राजस्थान चल दिए। उसके बाद आता है आपका
राणा पुंजा भाबासा भाबा भामासा भामासा बहुत पूंजीपति लोग होते हैं उस समय के, भामासा ताराचंद्र और ऐसे बहुत से थे जो महाराणा प्रताप के टीम में शामिल हो गए अकबर के खिलाफ। ठीक है, और अकबर के टीम में कौन कौन थे? अकबर के टीम में थे मानसिंह, ठीक, भगवान दास, भगवान दास, टोलड्रम, बदियायू, अकबर के भाई थे शक्ति सिंह, अकबर के ही भाई थे जगमाल, जिसको कि राजा से हटा दिया था, वो अकबर में जाके मिल गए थे, तो ये जाके अकबर के टीम में शामिल हो गए थे। ठीक है, अब युद्ध होने ही वाले थे 18 जून 1576 को, हल्दी घाटी के जो जगह थे वहाँ पे पहुँचा और युद्ध प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप प्रताप सिंह के सेना के बीच का रेशियो 4:1 का रहता था। इसके पास अगर 20,000 सेना है तो इसके पास 80,000 का सेना था। ठीक है, यानी कि एक आदमी चार आदमी को मारना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी महाराणा प्रताप हारे नहीं अकबर से कि मैं स्वाधीनता स्वीकार कर लूँ, मैं युद्ध करूँगा। महाराणा प्रताप को पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे लेकिन हारेंगे भी नहीं। और अकबर को इतना डर था, अकबर का हाइट बहुत छोटा था, लगभग 5 फीट का होगा और महाराणा प्रताप 7.5 फीट का। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आए ही नहीं, क्योंकि एक बार की बात है, अकबर के एक सेनापति थे बहलोल खां। ठीक है, बहलोल खां का सामना अकबर से हुआ था, ये बहलोल खां का सामना महाराणा प्रताप से हुआ था और ये अपने तलवार से एक चोप में बहलोल खां का 2 टुकड़े में बांट दिया था घोड़ा सहित एक चोप में। तो अकबर उसके देख के, यानी कि उसके ताकत को देख के बहुत डरता था। कभी कभी ये नींद में छटपटा के उठ जाते थे कि अकबर मुझे, यानी कि महाराणा प्रताप मुझे मार रहा है। ये नींद में जब सोते थे तो इसके बेड के ओर सेना खड़ा कर दिया जाता था, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, अकबर बहुत डरे हुए थे महाराणा प्रताप से, नींद नहीं उड़ गया था नींद अकबर का। कभी दोनों आमना सामना नहीं हुए। ठीक है, आमना सामना नहीं हुए। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध की बात किया जाए तो अकबर के तरफ से सेनापति जो थे मान सिंह और इधर से जो थे महाराणा प्रताप के आगे सेना का जो अगला पद होता है, ठीक है, ये पीछे पद हो गया, ये अगला पद, यहाँ थे हकीम खां सूरी। ठीक है, युद्ध प्रारंभ होता है, सेना तो देखा 80,000 20,000, लेकिन ये थे कि जोश जुनून से भरा हुआ था और ये लोग के पास तो गोला बारूद था लेकिन ये सब धनुधर थे। ठीक है, युद्ध चला, राजपूतों का सेना था ये 20,000 और ये मुगलों का सेना था लगभग 80,000। ठीक है, युद्ध चला तो अकबर यानी महाराणा प्रताप के जो घोड़ा थे चेतक, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा थे चेतक, हमेशा चेतक में ही सवार रहते थे युद्ध के समय, और इधर के सेनापति मानसिंह जो थे ये हाथी पे बैठे हुए थे, जिस हाथी का नाम था मर्दाना। ठीक है, सेनापति हाथी में बैठते थे किसी भी युद्ध में। ठीक है, और इसके पास बहुत सारा घुड़सवार था, लगभग 3,000 तो घुड़सवार ही था, पैदल सेना था, हाथी सेना था, बहुत आवार था, लेकिन इसके पास उतना साधन भी नहीं था। यहाँ के जो राजा थे यानी कि चेतक में बैठे हुए थे महाराणा प्रताप घोड़ा पे, और चेतक के जो सूर में जो है ना, यानी कि सूर टाइप का लगा दिया जाता था मुंह में, कि जो हाथी जो है देख के विचलित कर जाए, जिसमें सेनापति बैठे हुए थे, कि वो कंफ्यूज कर जाए कि घोड़ा है कि हाथी,
और हाथी के तुलना में घोड़ा बहुत तेज चलते हैं, इसीलिए घोड़ा में बैठते थे। और घोड़ा में जो बैठे हुए थे और इधर का सेनापति मान सिंह हाथी में बैठे हुए थे। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सीधे महाराणा प्रताप जो है मान सिंह पे ही हमला करने पहुंच गए घोड़ा के साथ। और उस समय जो थे युद्ध में हाथी के सिंह में तलवार लगा दिया जाता था सूर में, कि आगे कोई आएगा तो उसे काट दिया जाएगा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप गए सीधे मान सिंह के पास। इसके घोड़ा जो थे चेतक उठा के अपने दोनों पैर हाथी के जहाँ दांत निकला रहता है वहाँ पे रखे, और क्या कहते हैं महाराणा प्रताप भाला जोर से चलाए, यानी कि महाराणा प्रताप भाला जोर से चलाए मान सिंह के ऊपर। लेकिन मान सिंह का किस्मत अच्छा था कि कुछ इंच से बच गए, छुप गए, जिसके कारण मान सिंह उस दिन बच गया। नहीं तो हल्दी घाटी का परिणाम कुछ और होता। और चेतक का जो यही मान सिंह के मर्दाना जो हाथी थे उसके यानी कि सूर पे तलवार बना हुआ था, इससे इसका पैर एक पैर घायल हो जाता है, ठीक है। और महाराणा प्रताप बच, यानी कि महाराणा प्रताप के वार से मान सिंह बच जाते हैं। और इसी बीच जो है अकबर के सेना द्वारा अफवाह फैला दिया जाता है। यहाँ तक तो अकबर की सेना का हालत ख़राब था, युद्ध में हालत ख़राब था कि अब क्या होगा। लेकिन हिम्मत दिलाने के लिए अकबर के सेनापति में ही कोई एक थे जो हल्ला कर दिए कि अकबर आ रहे हैं लाखों सेना के साथ। अब इसके जो सेनापति थे जोश जुनून से भर गए, ये लोग का हिम्मत टूटने लगा। फिर भी युद्ध चला, फिर देख रहा है कि अभी तक पहुंचा ही नहीं, ये लोग का स्थिति खराब हो गया था। इधर तब तक में चेतक घायल हो चुका है। अब करे तो करे क्या महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के सेना में ही एक थे जिसका नाम था जलाल, जिसका नाम था जलाल, झलाल, ठीक है। उसका शकल महाराणा प्रताप से ही मिलता जुलता था, ठीक है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप से इसका शकल मिलता जुलता था, घोड़ा घायल हो चुका है और घोड़ा के पीछे मुगल सेना दौड़ रहे हैं। तो जलाल इसको यानी कि महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उसका मुट्ठू अपने ऊपर लेता और वो दूसरे तरफ भाग जाता है, ठीक है, ताकि मुगल सेना इसका पीछा करे। और महाराणा प्रताप को बोला जाता है कि आप यहाँ से किसी तरह सुरक्षित निकलिए, बाद में देख लिया जाएगा। और चेतक लेके यहाँ से ये निकलते हैं अरावली पहाड़ के तरफ। और वहीं पे एक बहुत लंबा चौड़ा लाला मिलता है जिसकी बीच की जो चौड़ाई थी लगभग 22 फीट थी, ठीक है। यही घोड़ा यहाँ से पार्क टपे तो टपे कैसे, अकबर को यानी कि चेत यानी कि महाराणा प्रताप को लग रहा था कि पार जाए कैसे, इतना लंबा घोड़ा यानी कि नदी था, इसको पार करे कैसे। लेकिन चेतक अपने महाराजा को बचाने के लिए छलांग लगाता और छलांग लगा देता और इस पार जैसे ही आता है और ये पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और ये यहीं पे मर जाते हैं। और अकबर इसका अंतिम संस्कार करते हैं, अकबर नहीं महाराणा प्रताप इसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ऐसे महान महाराणा प्रताप थे कि आदमी तो छोड़िए जानवर से भी बहुत प्यार करते थे, कि इसने अपने घोड़े के अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। राजसमंद एक जिला है वहाँ पे चेतक का समाधि स्थल बनाया गया है, आज भी रामसमंद जिले पे चेतक का समाधि स्थल है, ठीक है। अब यहाँ से अकबर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब अकबर करे यानी कि महाराणा प्रताप करे तो करे क्या, ये अरावली के पर्वतों में ही रहते हैं कुछ दिन छुप के, ठीक है, अरावली के पर्वत पे ही छुप के रहते हैं। और यहीं से ये क्या कहते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाता है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाता है और यहीं से अकबर के सेना को काम तमाम करता है। इसके पास सारा चीज, अब तो ये वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहीं पे एक आता है भामाशाह, भामाशाह जो है अकबर को मदद करते हैं।
अकबर को कहते हैं कि इतना धन दौलत दे दिया था कि 12 साल तक 25,000 सैनिक का रहन सहन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा जाता है अगर दानवीर का गिनती आता है तो पहला आता है महाभारत का, क्या नाम था उसका, करण, अरे महाराणा, ये महाभारत में क्या नाम था उसका, करण वीर के रूप में जो जानता है, नाम भूल रहे हैं। और एक दूसरा आता था भामाशाह, भामाशाह दूसरे थे और एक थे कर्ण, हाँ कर्ण, ठीक है, महाभारत के कर्ण और यहाँ भामाशाह दूसरे थे कि अपने सारा जो धन संपत्ति थे सारा किनको दे दिए, महाराणा प्रताप को, कि फिर से सेना तैयार कीजिए और फिर से अकबर को पानी पिलाइए। ठीक है, अब बात आता है कि हल्दी घाटी युद्ध में विजय किसे हुआ मिला, तो विजय किसी को नहीं मिला क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को ना तो जिंदा पकड़ पाया ना तो मुर्दा पकड़ पाया मुगल सेनाओं ने। महाराणा प्रताप को भी विजय नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो वहाँ से हट चुके थे। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे उसी बीच लगभग 76 में हुआ, 1576 के बीच भारत के बिहार तिहार के जो क्षेत्र थे मुगल के वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो फिर जो है अकबर जो है इधर ध्यान देने लगा और ये क्षेत्र से सेना जैसे जैसे कम हुआ अकबर फिर यानी कि महाराणा प्रताप फिर इस सब में कब्जा करके पूरा अपने कब्जा में ले लिया था। ठीक है, उदयपुर हो गया, डुंडागढ़ हो गया, जितने भी थे सबको ये अपने कब्जा में ले लिया। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ इतिहास उस समय के तो इतिहासकार जो थे जो जिसके दरबार में रहते थे उसके बारे में लिखते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर की विजय हुई थी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अकबर की विजय नहीं हुआ था लेकिन उसके दरबार में रहते थे तो उसके बड़ाई तो लिखेंगे ही। यही अकबर का एक कलंक है कि महाराणा प्रताप से वो डरते रहे अंतिम समय तक। लेकिन एक डेट आता है 19 फरवरी 1597 को महाराणा प्रताप एक शेर के शिकार करते हुए घायल हो जाते हैं और इसकी डेथ वहीं पे हो जाते हैं। ठीक है, 1997 महाराणा प्रताप के घोड़ा थे जो एग्जाम में पूछा जाता है, राम प्रसाद या राजा प्रसाद दोनों में से कोई एक नाम मिल सकता है। कहता जब हाथी का युद्ध हुआ था उसी में हल्दी घाटी के युद्ध में, तो राम प्रसाद और लूनी दो हाथी थे यानी कि महाराणा प्रताप के फेमस, ये दो हाथी के क्या कहते हैं कि अकबर के 10 हाथी घेर लिए थे। ठीक है, चारों ओर से घेर लिए थे। उस समय हाथी का भी युद्ध होता था, हाथी के सूर में तलवार बांध दिया जाता है, हाथी का युद्ध हुआ था। ये राम प्रसाद और लूनी मिलकर अकबर के 10 में से दो हाथी को मार डाला था। ठीक है, लेकिन ये लोग भी घायल हो गए थे जब महाराणा प्रताप यानी कि वहाँ से निकल चुके थे, तो यानी कि अकबर के जो सेनापति थे उसके मान सिंह के द्वारा ये दोनों हाथी को बंदी बना के अकबर के पास ले जाया जाता है, खास करके राम प्रसाद को। ठीक है, राम प्रसाद को लिया जाता है अकबर के पास कि अकबर खुश होगा कि महाराणा प्रताप का वही हाथी है, वफादार हाथी है। ठीक है, और अकबर के पास ले जाते हैं और अकबर कहते हैं कि ठीक है, इसे खिलाओ पिलाओ, जो काम ये महाराणा प्रताप के लिए करते थे वो काम मेरे लिए करेंगे। लेकिन ये हाथी जो है कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं थे, हमेशा रोते रहते थे। ठीक है, हमेशा इस हाथी के आँख से पानी जाते रहते थे महाराणा प्रताप के लिए, कि महाराणा प्रताप एक सच्चे योद्धा के प्रति जानवर तक अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार थे। राम प्रसाद जो हाथी थे, जानवर थे, वो कुछ खा रहे ही नहीं थे, सिर्फ रोते रहते थे कि महाराणा प्रताप चाहिए, एक बार दर्शन हो जाए। लेकिन कुछ ना खाते हुए 28 दिन तक भूखे रहे और 28वें दिन भूख के कारण इसकी डेथ हो जाती है राम प्रसाद हाथी के।
अकबर को बड़ा बुरा लगता है कि जिसका हम एक हाथी को न जीत सके तो महाराणा प्रताप को क्या जीतेंगे। अकबर भी अंदर से आने तो मन में तो नहीं आने देता था, लेकिन अंदर से महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा फैन हो गए थे कि नहीं, यो अगर अकबर और महाराणा प्रताप की अगर बात होगा तो पहले अकबर की बात किया जाएगा। अकबर एक महान योद्धा थे, ये खुद क्या कहते हैं महाराणा अकबर बोले थे जब उन जब 19 फरवरी 1597 को सुना कि महाराणा प्रताप का मृत्यु हो गया एक शिकार के कारण, और ये यहाँ से बहुत दुखी हो गए, और कुछ दिन बाद अकबर भी मर गए 1605 में, ठीक है। लेकिन ये अकबर का मलाल रह गया कि महाराणा प्रताप को हम जीत नहीं पाए। तो ऐसे शूरवीर महान योद्धा थे महाराणा प्रताप कि जानते हुए कि हार निश्चित है, लेकिन वो लड़े अपने मान सम्मान के लिए, ना कि मान सिंह और क्या कहते हैं भगवान दास के तरह स्वाधीनता स्वीकार नहीं कर लिया। जब मान सिंह आए थे महाराणा प्रताप के पास स्वाधीनता के लिए, तो कि आप मिल जाइए अकबर में, क्या दिक्कत है। अकबर में यही था कि वो जीतने के बाद राज उसी को दे दिया जाता था, सिर्फ बोलता था कि मेरे अनुसार आपको चलना है। अकबर को पूरा देश जीतना था, बस यही एक था, लेकिन मेवाड़ को नहीं जीत पाए अकबर जीते जी महाराणा प्रताप के, ठीक है। जब मान सिंह आए थे महाराणा प्रताप के पास कि स्वाधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो महाराणा प्रताप उसको बोले थे मान सिंह को, अकेले आए हो, फूफा को नहीं लाए हो। फूफा का मतलब क्या था कि महाराणा प्रताप सिंह के जो मान सिंह थे वो अपनी बुआ की शादी अकबर से करवा दिए थे जब वो उसके राज में हमला करने वाला था। तीन ऑप्शन देता था अकबर, या तो समझौता से बात मान लेता है तो ठीक है, या तो रिलेशन बना लेता था उस परिवार में शादी करके राजपूत परिवार से, या फिर तीसरा था युद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हमेशा दिया करते थे। बाकी राजाओं तो देख के अकबर का नाम सुन के ही सरेंडर कर देते थे, लेकिन एक ही राजा थे महाराणा प्रताप जो कभी हारे नहीं। ऐसे वीर महान सुपुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह जो जीते जी अकबर कभी चैन से सो ही नहीं पाया मेवाड़। वो भी इसी तरह मरते मरते रह गया कि एक अंतिम इच्छा रह गया, और एक कह सकते हैं तो कलंक भी है अकबर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अकबर युद्ध ज़्यादा नहीं लड़ा, लेकिन इसके स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था मैक्सिमम राजा ने, तो इसी युद्ध में जो है लगभग 30,000 आदमी मारे गए थे। लेकिन अकबर तक जितना भी युद्ध हुआ है उसमें बहुत कम ही आदमी मरते थे, क्योंकि तुरंत राजा को मार दिया जाए और युद्ध खत्म, स्वाधीनता स्वीकार लिया। बहुत तो ऐसे पगड़ी पैर में रख के स्वाधीनता स्वीकार लिया करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे थे जो कभी हार नहीं माने। अब जब मुगल काल पर आएंगे तो वहाँ से अकबर बाबर सबको देखेंगे बारी बारी से। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।